तो इस एपिसोड में हम बनाने वाले हैं गाजर और आलू का फार्म, क्योंकि हमारे पास गाजर और आलू तो है नहीं और अब मुझे ये खाने पड़ रहे हैं भाई नॉन वेज चीज़ें। और हम इसे इस तरीके से बनाएंगे कि हमें कुछ ना करना पड़े और गाजर और आलू खुद चल के हमारी जेब में आए, क्योंकि मैं थोड़ा सा आलसी हूँ बेसिकली। लेकिन तुम लोग को आलसी होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को देखते रहना। तो इस फार्म को बनाने के लिए हमें पहले चाहिए होगी बहुत सारी सैंड, जो कि मेरे को मेरे कैसल मैं कैसल कह रहा हूँ इसे हमारे मेंशन के पास ही मिल गई है। लेकिन यार ना मैं इसे तोड़ना नहीं चाहता, पता है क्यों? मुझे नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उनसे छेड़छाड़ करता नहीं हूँ ज़्यादा। 12 seconds later. चलो छोड़ो भाई, 4-5 सैंड के ब्लॉक कौन ही देखने वाला है इधर। अब ये सैंड को स्मेल्टर में डाल के हमें बनाने होंगे बहुत सारे मिरर, क्योंकि हमें ये चाहिए होंगे। और बाकी का सामान तो अपने पास होगा ही, इसमें मैंने रखा हुआ है समेट के पूरा। ये कहाँ लग गया? हमें चाहिए होगी बहुत सारे हॉपर, ये माइन कार्ट, इसमें हॉपर लगाने हैं वैसे हमें, और ये पानी की बकेट, इससे पानी से भर लूँगा मैं। बाकी तो अपना है ही। अरे चेस्ट चाहिए भाई, चेस्ट तो लिए नहीं मैंने। ओए ट्रेडर मिल गया हमें। हेलो सर, क्या हाल चाल है? आप मेरी टेरिटरी में क्या कर रहे हो? रुको पहले चेक कर लेते हैं इसके पास क्या है। देखो भाई साहब, ऐसा है कि वैसे तो हम बड़े ही प्यार वाले आदमी हैं, हमें प्यार करना। अबे बात तो पूरी होने दे हरामखोर, बात सुन ले मेरी, देख बात सुन ले, मैं छोड़ दूंगा। देखो वैसे तो मैं बहुत ही ज्यादा प्यार पसंद आदमी कर तेरी ऐसी की तैसी कंट्रोल। तो अब हमें फार्म बनाने के लिए एक चाहिए होगी ज़मीन बहुत सारी, और जैसे कि हमारे यहाँ पे पूरा एरिया हमारा ही है, हमारा ही राज चलता है यहाँ पे, तो हम पहले ना यहाँ पे ज़मीन थोड़ी सी फ्री कर लें। हमें पेड़ वेड़ काटने पड़ेंगे और एक तो बारिश होने लग जाती है भाई थोड़े टाइम बाद। अबे हराम करो, अभी तो मैं बनाना भी नहीं शुरू करा और तुम लोग तोड़ने पहले ही आ गए हैं। भाई इधर भी आएगी, ये पक्का पता है क्या करेंगे? अगर मैं ना मारूँ ना इनको, मैं आराम से बना रहा हूँ अपना फार्म, आधा कम्प्लीट भी हो जाएगा और फिर ये आएंगे। और तो ये मैंने बना दी है बेसिक लेआउट हमारे फार्म की। इसमें ये 4 खेत हैं और हर खेत जो है ना वो 9x9 का है, यानी कि 9 डर्ट के ब्लॉक्स इधर, 9 ब्लॉक्स इधर। इसके सेंटर में ना हमें चाहिए होगा थोड़ा सा पानी, उसके सेंटर में हमें ये पानी डाल देना है ऐसे करके। और इसके ऊपर ना, पानी के ऊपर हमें रखने हैं कंपोस्टर, और उसके ऊपर लगानी है श्रूम लाइट, जो कि हमें ना बैठ के लगानी है, ताकि ये जो ना श्रूम लाइट है हम इसे कंपोस्ट ना कर देंगे, क्योंकि अगर हम ना वैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कंपोस्ट हो जाएगी बीच में और हमारी एक लाइट वेस्ट हो जाएगी। देखा, ये गलती करी है मैंने। अब इतना बनाने के बाद हमें ना बीच का एक कलेक्शन सिस्टम ही थोड़ा सा बनाई देना चाहिए, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी के लिए ना हम पता है क्या करने वाले हैं, ये जो सेंटर में हॉपर लगाएंगे ना उसको नीचे फेस करते हुए लगाएंगे, और बाकी सारे हॉपर जो है इसके अंदर जाएंगे ऐसे। अभी के लिए हमें इतना ही करना है, बाकी काम बाद में करेंगे हम। हमें चाहिए होगा बहुत सारा ग्लास, अबे रख क्यों रहा हूँ, निकालो ना। तो इस ग्लास को यूज़ करते हुए हम 2 ब्लॉक्स हाई वॉल बनाएंगे, एक पूरे इसके आसपास, बीच में भी बनानी है हमें। चलो भाई बनाते हैं, मेरे को लगता है ग्लास कम पड़ने वाला भाई, बाद में देखते। चलो ओह यस, ग्लास कम पड़ गया, मेरे को लगा ही था। चलो भाई ग्लास लेके आते हैं थोड़ा सा और। तो अब जब तक ऊपर हमारी सैंड बन रही है, हम ऐसा करते हैं नीचे ना इसको फार्म लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं पूरे एरिया को। और अब इन जगहों पे हमें गाजरें और आलू लगाने हैं। उप्स, ये तो ख़त्म हो गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसका इंतज़ाम मैंने पहले ही करा हुआ है। ये कुछ ज़्यादा ही बोन मील बन गया वैसे। अब हमें इसे उगाना है और इसे फार्म भी करना है यहीं पे। इसके लिए ऐसा करते हैं, इसको ना पकड़ते हैं इस हाथ में। 2 hours later. तो अब मैंने फार्म को यहाँ तक तो कंप्लीट कर दिया, मैंने बहुत सारी डेकोरेशन बनाई हैं, जैसे कि ये पत्ते वत्ते लगाए हैं मैंने, और इसके आसपास ग्लास लगा दिया और एक फेंस गेट लगा दिए बहुत सारे, और लैंटर्न्स भी ला के लगाए हैं ताकि ज़ॉम्बीज ना स्पॉन हो भाई साहब और ऐसी तैसी ना कर दें इसकी। और मैंने इसके नीचे बनाई है ये एक टनल, जो कि सीधा जाएगा हमारे सेंटर वाले हॉपर के नीचे, यहाँ पे देख रहे हो। अब हमें ना यहाँ पे कलेक्शन सिस्टम बनाना है, उसके लिए पहले तो हमें चेस्ट लगाने पड़ेंगे। बिल्ला ऐसे, बस अब हमें लगाने हैं हॉपर, पहले एक हॉपर ऐसे लगाएंगे, उसके बाद एक हॉपर इसके बीच में, एक इसके बीच में और एक इसके बीच में, और ये बन गया हमारा कलेक्शन सिस्टम। अब हम कोई चीज़ फेंक के देखते हैं ऊपर से वो नीचे आती है कि नहीं।
तो ये आ गए हमारे मेलन, सही है काम। अब हमें ना विलेजर लेके आने हैं इसके अंदर। वो मैं तुम्हें तो बताता हूँ कि मैं कैसे लेके आने वाला हूँ। हमें पहले ना इसमें से डर्ट निकालनी पड़ेगी। तो फार्मर्स को लाने के लिए मैंने यहाँ पे ये जगह बनाई है। वहाँ से वो सीधा बोट पे बैठ के यहाँ तक आएंगे और फिर उन्हें मैं डायरेक्ट नीचे फेंक दूंगा अपने अपने एरिया में। हमें 5 विलेजर चाहिए बेसिकली, एक विलेजर हर एक खेत में और एक सेंटर में वहाँ पे कलेक्शन सिस्टम के लिए। उसके बाद हमें पता है क्या करना है, यहाँ पे ना रास्ते में पहले ये तोड़ो और यहाँ पे रास्ते में एक बोट रख देनी है। उसके बाद हमें ये ब्लॉक तोड़ने हैं और बस एक बंदे का बेड तोड़ लो, उसे उठा लो, ठीक है, और उस बेड को लाके इस कोने में लगा दो। अभी ये आएगा और बोट में बैठ जाएगा, बस हमें यही करना है। और एक बार बस इस भाई को पहले बाहर निकालूं मैं। अबे ज़ॉम्बी आ गया, चल तेरी ऐसी की तैसी भाई, विलेजर को मार। अबे अच्छा वहां से आ, हराम खोरों। अबे ये उधर तो आयरन कॉलम है दो दो, और ये आ कहाँ से रहा है फिर, यहाँ पे स्पॉन तो नहीं हो रहा कहीं पे। अबे छत से आ रहे हैं वो मेरी तेरी ऐसी की तैसी। अबे तुम्हारे लिए बनाया था मैंने ये रैंप है, आराम को। अबे देख रहे हो वहाँ पे कितने, पूरी आर्मी है इनकी ऐसी की तैसी। अबे कितने, हेलो, ऊपर टॉर्च लगानी पड़ेगी मेरे को। अबे भाई साहब ये तो भाई एक्सपी वहां बन सकता है यहाँ पे, यहाँ पे नीचे में मेरे को वो लगाना है। जा नाइस भाई साहब, यही तो मैं चाहता था कि आप लोग आके बैठो और फिर मैं आप लोगों को लेके जाऊं यहाँ से। लो भाइयों ये हमने हवा में ट्रेन बना दी है 5 विलेजर्स की। अब मेरे को बस ना ले जाके उधर फेंकना है। यार ये कितना अच्छा लग रहा है देख रहे हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सीधा कर दूँ। रुको मैं करता हूँ। अब हुई है भाई साहब ट्रेन कम्प्लीट। अब देख रहे हो ये उसी बचपन की याद नहीं आ रही, जो छोटी छोटी ट्रेनों में बैठ के जाते थे हम अपने क्लासमेट के साथ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं ये रॉड के बारे में बताना तो भूल ही गया भाई साहब। ये मैंने लगाया था इसलिए ताकि ना अगर ऊपर से बिजली गिरे तो ये भाई साहब ये विचेस ना बन जाए, हराम कोर। ये ऐसे बड़े हरामी हैं, ये विच बन जाते हैं, उसके बाद बाकियों को भी पेल पाल देंगे। चलो भाई पहले को तो हमने पहुंचा दिया है उसकी जगह पे। भाई साहब जरा साइड हटिए प्लीज, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, धन्यवाद। अभी ये कहाँ हवा में उड़ रहा है भाई, शक्तिमान है क्या? बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अब हमें पता है क्या करना है, ये वाले जो हॉपर है ना इस लाइन के सामने वाले, इस पे हमें लगानी है एक रेल और उसके ऊपर एक रेल कार लगा देनी है हमें। अब ये रेल्स हम पता है क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो विलेजर्स है ना ये रेल्स के ऊपर नहीं चढ़ सकते, ये रेल्स से दूर ही रहते हैं बेसिकली, ये रेल्स को हेट करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे रेल्स लगा के इसके ऊपर ये लगा देंगे और उसके बाद हमें इस साइड भी ऐसे ही करना है। उसकी बोर्ड तोड़ के ना दोनों साइड ये लगा के इसे सेंटर में, अबे हिला दिया उसने हरामखोर ने, अबे हिला मत ओए। अब हमें पता है क्या करना है, डर्ट लेनी है और ऐसे ऐसे लगा देनी है इसको बीच में ट्रैप कर। अबे हरामखोर उस साइड हो थोड़ा सा, अबे उधर हो, अबे हो जा, अगर मैं हिला तो ये हिल जाएगी फिर। अबे हरामखोर उधर को हो जा चाचा, हाँ थैंक यू। अब ये लगा के ना हमें ट्रैप डोर लगाना है। मेरा ट्रैप डोर कहाँ गए ओए भाई, क्या हरकतें कर रहा हूँ मैं। अब हमें लगाने हैं ट्रैप डोर ऐसे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लगा के इसको कर दो बंद और ये हमें ऐसे लगाने हैं कुछ सब के सब। अब ये हम पता है क्यों लगा रहे हैं, ताकि ये जो एक विलेजर है ना वो दूसरे विलेजर को देख ना सके, और अगर उसने देख लिया ना तो वो जाके उससे ब्रीडिंग करने लगा क्योंकि उसके पास फूड है भाई साहब, और हम ये नहीं चाहते, हम इसे एक ब्रीडिंग फार्म नहीं बनाना चाहते। इसलिए हमने यहाँ पे ट्रैप डोर लगा दिया ताकि बेसिकली इनको एक दूसरे से प्यार ना हो सके। अभी ये प्यार का नतीजा यहाँ कैसे आ गया, हराम को तेरी ऐसी की तैसी। तो अपना एक चीज़ मेक श्योर करना कि ये लोग ना फार्मर बन जाएं उस कंपोस्टर की वजह से, और अगर ये नहीं बन रहे ना तो बस अपना गंडासा निकालना और फिर। अबे फार्मर, अबे ये क्यों नहीं मानना, अबे मेरा गंडासा नहीं देखा तूने, चलो तेरे से बाद में बात करता हूँ आराम को, पहले उन दोनों को देखूँ। वो वाला काम कर रहा है वो, देख रहे हो वहाँ पे वो लगा हुआ है अपना, वो देखा नाइस, ये काम कर रहा है फार्म। अब तू मेरे को बता भाई क्यों डेट हो रखा भाई, ले ले भाई जॉब। अबे सरकार कमी होती है जब कुछ देती है, हराम खोरो मैं सरकार हूँ, मैं दे रहा हूँ तुम्हें जॉब।
तो अभी कुछ कारणों की वजह से हमें एक और नया विलेजर लाना पड़ गया जो कि जॉब एक्सेप्ट कर रहा है। और कारण ये है कि बेसिकली वो मान नहीं रहा था गंडासा दिखाने के बाद भी, तो फिर मैंने उसे मुक्कों से पेल दिया। तो अभी बाकी काम तो मैंने कर दिए, बस एक लास्ट काम बचा है, वो ये है कि हमें ये जो ना डर्ट में कन्वर्ट हो गए थे मेरे कूदने फांदने की वजह से, यहाँ पे हमें दोबारा क्रॉप्स लगा देने ऐसे ताकि ये फार्म अपना फुल। अबे तेरी ऐसी की तैसी हट जा साइड, ओए साइड आराम खोर। तो भाइयों ये काम भी हो चुका है, मैंने हर जगह ये लगा दी है फल सब्जियाँ। और यहाँ का विलेजर अच्छा वहाँ पे, अबे बाहर देख रहा है भाई, सॉरी भाई तू अब यहीं पे कैद रहेगा पूरी जिंदगी। प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। अबे देखा अभी क्या हुआ, मैंने इसलिए मैंने कहा था कि ऊपर ये लगा दो, क्योंकि ना वो फिर नीचे विलेजर विच बन जाते अगर ये ऊपर ना लगा होता। देखो मेरा दिमाग देख रहे हो भाई साहब, 100-2000 बिलियन IQ। अच्छा तो ये तो था हमारा गाजर और आलू का फार्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। बाय बाय।